आज हम बात करेंगे शहर के प्रमुख शक्तिपीठ नीमच माता में हुई लूट की। बदमाश चौकीदार और सहायक पुजारी को बंधक बनाकर क्या कुछ लूट कर ले गए, उस पर बात करेंगे। साथ ही सिटी सेंटर में लगी आग और घासा थाना क्षेत्र में हुए हादसे की खबर से आपको अपडेट करेंगे। दिन भर की खबरें और दिन भर के हाल हम आज के बुलेटिन में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। आप भी अपनी खबरें 9413802327 पर भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। शहर के प्रमुख शक्तिपीठ नीमच माता मंदिर में गुरुवार देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। हाथों में तलवारें लेकर पहुंचे बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बना दिया और मंदिर के गर्भगृह से चांदी के दो छत्र और मुकुट के साथ दो दान पेटियां तोड़ दीं। उसमें रखे हजारों की नकदी और चांदी के सिक्के लूट कर ले गए। बदमाशों ने जाते समय अधिकांश सीसीटीवी कैमरों के वायर काट दिए। जानकारी के अनुसार उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर परिसर में रात 2 बजे घुसे 4 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान मंदिर के पुजारी वहां मौजूद नहीं थे। चौकीदार बाबूलाल का कहना है कि वो सो रहा था कि बदमाश सबसे पहले उसके पास आए और कंबल ओढ़कर लेटे रहने को बोला। इसके बाद मंदिर के पास सहायक पुजारी भूरा जी के पास गए और बदमाशों ने तलवार दिखाकर दूर चौकीदार के पास जाने को कहा। 2 बदमाश चौकीदार और सहायक पुजारी के पास खड़े थे कि तभी 2 बदमाश मंदिर में लूटपाट मचाते रहे। सूचना पर एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर समेत थानाधिकारी रविंद्र चारण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पुजारी और चौकीदार से बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और सीसीटीवी का डीवीआर भी लिया ताकि बैकअप की मदद से आरोपियों का हुलिया और पूरा घटनाक्रम पता किया जा सके। जय माता जी। नमस्कार जी, मैं नीमच माता जी मंदिर का भोपा जी हूँ, यानी व्यवस्थापक। सारा मंदिर का सार संभाल हमारे द्वारा हमारी ट्रस्टी कर रही है और देवस्थान विभाग के गल्ला लगा हुआ भेंट पात्र, उसमें नवरात्रि का जितना भी इनकम हुई, आवक हुई, वो सारी लेके गए। हमने देवस्थान विभाग वालों को भी कहा हर 7वें दिन में पेटी खोल लो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो रात को ये दावा बोले, 7-8 जने लोग बाग आए थे, तलवारें लेके आए, हमारे कर्मचारी के ऊपर लगा दी और मारने लगे। श्री नीमच माता जी मंदिर देवाली उदयपुर में आज रात को लगभग 8 चोरों ने हथियारबद्ध होकर के वहां धावा बोला और माता जी का मंदिर का मुकुट एवं दान पात्र से नकदी चोरी कर ली। मंदिर में लगभग 2 बजे ये वारदात हुई है। उस समय में वहां पे सहायक पुजारी पूरा जी और चौकीदार बाबूलाल जी उपस्थित थे, जिन पर हथियार रख करके उक्त वारदात को अंजाम दिया गया है। मुख्य पुजारी श्री लक्ष्मीलाल जी गमेती ने रात्रि को 2 बजे वारदात के समय मुझे भी फोन किया और साथ ही अम्बा माता थाने को फोन करने पर अम्बा माता थाने से पुलिस का जाप्ता वहां पे पहुंचा। मेरे सो रहा था यहाँ पे, जो दोनों तरफ आगे खड़े हो गए, पूरी को उधर से लाए, उठा के इधर मेरे पास में सुला दिया, खड़े मत होना, उठे मत होना बस। और फिर वो उधर गए, ताले वाले तोड़ रहे थे, हम सुन रहे थे सोते सोते, क्या करें, उनके हाथ में करवा रहे थे, हम कुछ कर नहीं सके। फिर वो जाने के बाद फिर मैंने भूपा जी को बुलाए, फिर उन्होंने वहाँ फतेह अम्बा माता थाना में फ़ोन किया, फिर वहाँ से जाप्ता है। 3-1 बजे 3 सवा 3 बजे आ गए थे पुलिस वाले, यहाँ उन्हें मौका मंगाना करके गए। कितने आदमी थे? आदमी 7-8 आदमी थे शायद, लेकिन मैंने देखा दोनों 2 बजे का मेरे पास खड़े थे, उनके वापस मुँह ढक दिया हमारा। शहर के सबसिटी सेंटर क्षेत्र में शुक्रवार को एक बिल्डिंग में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकार के अनुसार रामा फायर के सामने कल्याण मारुति ट्रेवल्स के ऊपर बने मकान में आग की लपटें देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
इधर आग लगने की सूचना पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के समय कोई कमरे में मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो जाती। बताया जा रहा है कि मारुति ट्रेवल्स के ऊपर बने मकान में लगी आग से बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने एक घंटे की मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। जिले के घासा थाना क्षेत्र में शुक्रवार ट्रेलर व लकड़ियों से भरी मिनी ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे घासा उदयपुर मार्ग पर रखियावल वन विभाग के पास ट्रेलर व लकड़ियों से भरी मिनी ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक मजदूर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जबकि दो घायलों को एम्बुलेंस से रेफर किया गया। हादसे की सूचना पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच शुरू की। मोहल्ला सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ के उपाध्यक्ष विष्णु रेबारी के नेतृत्व में गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूनिवर्सिटी के प्रकाश द्वार मेन गेट पर राणा पुंजा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की मांग की। साथ ही यूनिवर्सिटी तिराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की बात कही। उपाध्यक्ष रेबारी का कहना है कि काफी लंबे समय से इन प्रतिमाओं को लगवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ मांग करता आ रहा है, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इन प्रतिमाओं को नहीं लगाया गया। इसको लेकर शुक्रवार को छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर जाने की बात कही और प्रशासन का अल्टीमेटम दिया कि जल्दी इन प्रतिमाओं को लगाने की कवायद शुरू करें, नहीं तो छात्र भूख हड़ताल पर उतरेंगे। मैं विष्णु रेबरी, केंद्रीय छात्र संघ उपाध्यक्ष, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। आज हम सब युवा शक्ति यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय, जो मेवाड़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, जहाँ पे हमने काफी पहले भी एक मांग की थी श्री महाराणा प्रताप जी और राणा पुंजा जी की मूर्ति हमें जो मेन गेट बनाया प्रकाश द्वार वहाँ पे स्थापित की जाए। लेकिन इन्होंने एक साल से जो विषय थे उन्होंने भी इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर दिया था कि हम मूर्ति नहीं लगाएंगे, ये वो करके इनको दूर कर रखा था। आज हम इस मांग को लेकर विश्वविद्यालय मेन गेट पर राणा पुंजा जी की और श्री महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक हमें एक ऑर्डर नहीं मिलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय के मेन गेट पर मूर्ति लगाई जाएगी। और एक हमारे जो कला महाविद्यालय बना हुआ है वहाँ पर भगत सिंह जी की मूर्ति का हमने मांग रखी है, और जब तक हम इन तीनों मूर्तियों की हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अखिल भारतीय महाविद्यालय छात्र सम्मेलन व विश्व लघुचल चित्रोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जनवरी में होगा। संस्कृत भाषा का प्रचार एवं संवर्धन करने के लिए काम करने वाले संस्कृत भारती संस्था के संस्कृत भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख शिरीष कुमार उदयपुर में प्रवास पर रहे। इसके अंतर्गत उदयपुर सेक्टर 4 स्थित विश्व संवाद केंद्र पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संस्कृत भारती उदयपुर विभाग एवं प्रचार के सदस्य के साथ विचार विमर्श किया गया। शिरीष कुमार ने बताया कि संस्कृत भाषा केवल अर्थ उपार्जन अथवा कक्षा अध्ययन तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम जन के व्यवहार में उतरे, जिसका विस्तार अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से तरह तरह के उपक्रम संस्कृत भारती द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें 10 दिवसीय संभाषण शिविर, आवासीय संभाषण शिविर, प्रबोधन वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग, संस्कृत बाल केंद्र, गीता शिक्षण केंद्र आदि शामिल हैं। बैठक में मुख्य रूप से प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ. यज्ञ आमेटा, सह प्रचार प्रमुख तरुण दवे, विभाग प्रचार प्रमुख नरेश यादव, डॉ. हिमांशु भट्ट, दुष्यंत नागदा, भूपेंद्र शर्मा, रेखा सिसोदिया, डॉ. रेणु पालीवाल, अर्चना जैन, चैन शंकर दशोरा, मंगल कुमार जैन, दुर्गेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। छात्र सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में संस्कृत लघु चलचित्रोत्सव यानी संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ये भी हो रहा है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के द्वारा छोटे छोटे चलचित्र, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनाए जाए और इस माध्यम से भी संस्कृत का प्रचार हो, इस दृष्टि से ये उपक्रम हमने आयोजित किया है। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लिव इन रिलेशनशिप कानून में संशोधन कराने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरभि मेनारिया ने बताया कि आज के समय में युवक युवतियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद जब मन भर जाता है तो अलग हो जाते हैं। ऐसे में दोनों की जिंदगी खराब हो जाती है। युवक व युवतियों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने को राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ने हिंदू धर्म के लिए कुठाराघात बताया। मंच के सदस्यों का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप से सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को होता है।
ज्ञापन में लिव इन रिलेशनशिप में संशोधन कराने, तलाकशुदा, विधवा और विदुर के लिए ये रिलेशनशिप लागू करने की मांग की गई। नाम एडवोकेट मीनाक्षी माथुर है। मैंने आज राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन दिया है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ कानून बनाया गया है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, जिसे मान्यता दिए, इस कानून को बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में युवक युवती, यंग जनरेशन एक साथ रहते हैं, फिर उनको दोनों साथ में रहते हैं, कई दिनों तक तो साथ में रह लेते हैं वो खुशी खुशी। उसके बाद जब वो एक दूसरे से मन भर जाता है तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है महिलाओं की स्थिति पे, महिलाओं की लाइफ पे असर पड़ता है इस चीज़ का। यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है या अलग हो जाते हैं, उनके साथी उनसे अलग हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में हम कानूनी रूप से किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंप सकते कि वो लिव इन में रह रहे तो इसका खर्चा उठाएगा या सामाजिक स्तर पर इसे मान्यता मिलेगी। तो इस तरह की कोई मान्यता नहीं होने की वजह से स्त्रियों को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। नमस्कार, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच उदयपुर ब्रांच से मैं सुरभि मेनारियाधीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्यूमन राइट सेल। आज पूरे भारतवर्ष में हमारा राष्ट्रीय महिला जागृति मंच एक मुहिम कानून में संशोधन की मांग रखता है। लिव इन रिलेशनशिप पाश्चात्य संस्कृति की वो एक बोलना चाहेगा एक ऐसा कीटाणु जो हमारे भारतीय संस्कृति को अंदर से खा रहा है। तो आज हम सभी राष्ट्रीय महिला जागृति मंच का पूरा हमारा मंडल और हमारी सेल भारत सरकार और हमारे सरकार से इस कानून में संशोधन की मांग करती है। हम चाहते हैं कि सभी जो रिलेशनशिप जो इस तरह के चल रहे लिव इन में, उसमें युवक युवतियाँ भटक रहे हैं। सबसे पहले हमारा हिंदू विवाह अधिनियम जो एक ही पत्नी की मान्यता रखता है, उस कानून का एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुठराघात हो रहा है। सो हम सभी आज बहनें भारतवर्ष में सभी अब एक अपील करना चाहती हैं कि इस कानून के अंदर संशोधन किया जाए। विधवा या विदुर या तलाकशुदा लोग लिव इन में रहें, परंतु एक विवाहित व्यक्ति या विवाहित औरत लिव इन रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं पड़े, क्योंकि ये हमारी युवक युवतियाँ और परिवारों का स्त्राहास हो रहा है। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।